भाईजान आज जुमे का दिन है, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। आज हमारे पैसे दे दो वरना घर में घुस के मारूंगा। बंटी पैसा दे दो, खपड़ी फाड़ दिए वहां। एक साल से चक्कर मारे हैं आपके घर के, अगर आज पैसे नहीं दिए बहुत बुरा होगा। ओ बंटिया साढ़े पैसे फाड़ा नहीं, आज तेरे टट्टे टट्टे कर देने मैं। बंटी सर फाड़ दूंगा। ओ भाईजान थोड़ा नजाकत से। अरे बाबूजी अपने चिराग को बाहर भेज दीजिए, आज पैसे दे दे वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा, पैसे हमसे तुमने पूछ दिए थे उसको। अरे काम धाम कुछ है नहीं तुम लोगों के पास, एक काम करो हमारा पीछा छोड़ दो, हम बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोगों से। अरे हमारे आधे पैसे ही दिलवा दो। अरे बीर जी आधे नहीं पूरे 2.5 लाख लेके के जाना मैं। ठीक है मैं बात करता हूँ। कौन घर में पैदा हो रहा है, पैदा हो से पहले मर का है नहीं को। बंटी 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 सवेरे सवेरे बंटी घंटी मत बजाओ करो यार, पूरे शहर माग लगा तुम यहाँ सोए रहे, बहुत तुम्हारे बाप खड़े हैं पैसा मांग रहे, रुक जाए। अरे बाप हमारे तुम हो, अबे सोए कि नहीं उठेगा। सोए तुम रहे, हम तुम्हारे बाप ना है, तुमने जिनसे पैसा लेके ऐश करी है बाहर खड़े हैं, जाओ रुपया दे जाए। देखो पापा हमने ऐश नहीं करी, पैसा मांग के एक ले दूसरे की निपटाओ, दूसरे ले तीसरे की निपटाओ, तीसरे ले चौथा की निपटाओ, तुम्हारा जय चल रहा तरक्की नहीं हो रही कुछ। अरे मेरे बाप तुमने पहले से काहे ले, पहले से काहे ले, हम तो बहुत पहले ले रहे हैं, याद नहीं रहे वो काहे ले रहे, पता नहीं काहे ले रहे। भैया बंटी हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे, इस उम्र में जिद्दी ना दिखाओ, हमें बहुत लज्जित होना पड़ता है समाज में, हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जी है। अरे पापा जैसा बहुत पैसा वाले हैं, इनके यहाँ बकरियां ना खाई रही पैसा, अब हम तुम्हें एक एक फूटी कौड़ी लेते रख रहे, अब हमारी लॉटरी निकलने तब इनके मुंह पर मर ही जाए पैसा, टेंशन का है तुम। लॉटरी कब लगी और कब ना लगी कोई भरोसा ना है, अगर तुम्हें अपनी इज्जत ख्याल ना है तो कोई बात नहीं, हमारे कुछ सोच ले। अपने शहर में कोई छोड़ो ना, तुम्हारे चक्कर में हमें मुँह छुपाई निकलना पड़ती है ताकि कोई हमसे पैसा ना मांग ले। चलो वो आपके सम्मान खातिर हम इन सबके पैसा बहन दे रहे। अच्छा हाँ। आज अभी तुरंत तत्काल। हाँ तुरंत हाँ, पक्की बात है। अरे बंटी की बात पत्थर की लकीर, चलो पापा हम ले आओ। ओ दरवाजे पे खड़े हैं, आ जाइए। अरे हम आ रहे हैं, हाँ, इंतजार करें सब लोग हैं। ठीक है हम ले आओ। जाओ करोड़ों सब लोग देख रहे हैं, कहा दें कहाँ दें पैसा थाले। आप लोग फालतू में परेशान हो रहे थे, सबका पैसा अभी मिलेगा। हाँ। लड़का हमारा हीरा है, बस थोड़ी इच्छाएं ज्यादा है उसकी। अच्छा कौन कहा था, धरो पुरो बहुत बेकार आदमी आ रहा है। अरे जनाब बाबूजी हटिए, मोहतरमा निकलने को है। जी निकलिए। बाबूजी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते। हटिए हटिए मोहतरमा को निकलने दीजिए। मोहतरमा कहे तो अभी यही दिल का दस्तर खान बिछाते हैं। अरे मैं तो दावते इसको कर दूं। हटिए ना, कादर खान की सेकंड कॉपी। अरे घर में नहीं खाने को, ये दावते करवाएंगे यहाँ। गांठी तू ज्यादा तकल्लुक मत किया कर, तुझको 20 बार बताया है। मौलाना मेरा जी मत खोलो ना, अद्धा मार के खोपड़ी फोड़ दूंगा। अरे छोड़ो ए भाई साहब। ए मुल्ला जी आप भी, तुम भी यार रफीउल्ला भाई साहब क्यों उल्ला रहे हो अपने मोहतरमा के चक्कर में। अरे पैसे लेने आओ, पैसे लेके जाओ। हाँ बंटी बेटा आ जा, मैं इधर ही खड़ा हूँ। किधर? अरे इधर देखो इधर इधर। अरे वहाँ तो मोहतरमा जी खड़ी हैं। अरे यार मोहतरमा नहीं मैं ही हूँ, ध्यान से देखो। बंटी तू? हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2 महीने तक मैं घर नहीं आऊँगा और तुम भी दरवाजा बंद कर लो वरना कुत्ते कच्चा चबा जाएंगे, और तुम्हारी पर्स से हमने 2000 रुपये लिए हैं, वापस आके देता हूँ। ठीक है बंटी बात तो सुन। लव यू। क्या हुआ बाबू जी? वो भाग गया। किधर किधर? इधर
क्योंकि क्रिकेट मैच देखने के लिए टाइम और टिकट पर की गई हमारी इन्वेस्टमेंट हमें छक्कों की सूरत में वापस मिल ही जाती है। इन्वेस्टमेंट से याद आया बिनोमो का। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इंडिया अपने सारे मैच जीत रही है। आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है और इसमें विराट कोहली ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है। जैसे क्रिकेट का किंग कोहली है, उसी प्रकार आप ट्रेड करके बिनोमो का किंग बन सकते हैं। यहां आपको 3 से 5 छोटे ट्रेड कर सकते हैं केवल $5 हर ट्रेड में इन्वेस्ट करके। बिनोमो में डिपॉजिट एंड विड्रॉल के कई सारे मेथड अवेलेबल हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, ETC। चलो मैं आप सबको ट्रेड करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको बिनोमो को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहां से ओपन करना है मेन डैशबोर्ड। अब आपको यहां से एसेट सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको अमाउंट सिलेक्ट करना होता है। मैंने यहां से 4000 का अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यह प्रिडिक्ट करना है कि हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैं यहां से डाउन सिलेक्ट कर लेता हूं। अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। लो, मैं जीत गया, मेरा ग्राफ नीचे की तरफ ही गया, मेरी विनिंग अमाउंट मेरे रियल अकाउंट में क्रेडिट भी हो गई। अगर आपको भी सीखना या ट्राई करना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जाकर रजिस्टर करें और ट्रेड करके पैसे कमाएं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अंत तक देखिएगा। लागो भैया, बढ़िया रहा है, ठीक, थोड़ी चटनी थोड़ी और मीठी बना लो। ठीक ठीक ठीक। कितनों टाइम लगी भाई समोसा बना रहे हैं, जल्दी बनाओ यार, काफी समय हुई वो। अरे यार, ये क्यों पैसा दे दी तुम्हारो यार, आज शाम तक पक्की। हाँ हाँ पक्की। अरे पप्पू, एक बढ़िया चाय पिलाओ यार। अरे यार, एक बढ़िया चाय पिलाओ। हाँ लाई रहे लाई रहे। देख क्या रहा है कमीने, घर में माँ बहन नहीं है क्या? सॉरी सॉरी भाभी जी, लाई रहे। भाभी होगी तेरी माँ, दीदी बोल। मतलब दीदी। अरे यार, पहले यही की व्यवस्था कराए। ओहो बंटी, तुम्हें काका दिन देखने पड़ी। हाँ बंटी, अचानक। अरे यार, अरे चोर, पैसा दे मेरा। अरे भैंस बदल के चूतिया बनाओ घूमत, हमें ना बनाए पिया हूँ, हमने पहचान लो रहा है, मोहतरमा ना बनती है। अब पैसा दे मेरा जल्दी। क्या हाल बंटे? क्या? पैसा पैसा पैसा, क्या करोगे पैसे का यार? पैसा हाथ का मेल है, दे दूंगा यार, और नहीं दूंगा तो क्या कर लोगे यार? अरे चाय, ये चाय बनाते हो? अरे इससे अच्छा तो मेरे गले में पानी आता है यार, साला ठंडी चाय बना बना के जेब गर्म कर रहा है। अगली बार दोबारा हमसे पैसा मांगा किसी ने तो सोच लेना, गरम चाय में यही नहा लूंगा, मर्डर का केस लगवाऊंगा साले, और तुझे जेल करवा दूंगा। हाँ बताओ भाई, तुम्हारी क्या समस्या? अरे हम कह रहे हैं ये बोरखा वाले पैसा दे देते, 6 महीना हो गए अब। ये बोरखा हम तुम्हारे यहाँ से लाए थे। जाओ करियो बंटी भैया, इसे पकड़ो पहले। अल्लाह पैसा दोबारा मांगे मत दियो बंटे। बंटे पैसा दे दे बन। अरे यार गलत ही मांगी दे पैसा, बोरखा का करें बेटा। देखो सक्सेना जी, अगर आपके प्लाट की बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वही में फंस रही है बंटी की कमीशन, और बंटी कमीशन छोड़ नहीं सकत। भाई 10 लाख को प्लाट हम आपको 5 लाख हम दिलवाई रहे, कमीशन तो चाहिए हुई ना। नहीं दही कब दियो? दही है दे बस, पहले कमीशन दे दो, प्लाट हम बाद में खरीदवा दी। दादुआ, हाँ हम बान को भाई दो। अरे यार हमारा हाल खराब है, इस टाइम पानी नहीं खिला पाएंगे। हाल कैसे खराब है? आप कैसे राजोग ना है? अरे का है हमारा सिर, आपके पास है नारी शक्ति? अरे भैया, जब से नारी शक्ति आई है हमारी सभी शक्तियाँ छिन गई हैं, बस हमारी पाउडर, क्रीम, लिपस्टिक, बस इसी में हमारी जिंदगी फंस के रह गई। और का हम बहुत परेशान हैं, बस हमारी कोई छोटी नौकरी लगवाई दे, चपरासी हम भैया उनकी जिंदगी भर गुलामी करें। अच्छा ठीक, हम बात कर रहे हैं, ठीक। हाँ, अब तुम लोग यार फटी में फाड़ रहे हैं, पान खवाए दो, जो खवाए दो वो खवाए दो। ददुआ कहाँ चला मैं यार? ददुआ तो भी नौकरी ढूंढ लो, नहीं हम ही कहाँ खवाई हो। अरे यार बह जुगाड़ हम लगे हैं, कहूँ मिले तो।
50,000 रुपए ले जाना, ठीक है? हाँ, अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी में यूज कर लेना। और सुनो, आज स्विट्जरलैंड वाले जीजा जी आ रहे हैं, 50 फॉर्चूनर शाम को चाहिए हमको। हाँ, भव्य स्वागत करेंगे भाई। अच्छा, बच्चे को नौकरी चाहिए? किस विभाग में चाहिए आप बताओ, जिस विभाग में बताओ हम कहलवा देंगे सचिवालय में अपने थाड़ू में। ठीक है ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। ओके ओके। दादा, मेरे दादा, दादा दादा, हम बहुत परेशान हैं, हमारी बीवी हमें रोज मार। आप इतने लोगों को भलो कर रहे हो, थोड़ी बारिश हमारे ऊपर भी कर दे। पीछे हटो, पीछे हट। पहले ले यार, 1,00,000 रुपए की पेंट गंदी कर दिया। 1,00,000? 1,00,000 एक दादा की पेंट है? न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, कौन है तुम? आपको नाम का है दादा? हमको बंटी मल्होत्रा बोलते हैं। तो फिर हमको प्यार से राजन कहते हैं। राजन, दिख रहा है तुम्हारी शक्ल से राजन। काम क्या है यार तुम्हारा? दादा दादा, छोटी कृपा अपने छोटे भाई पर कर दो, बस हमें कोई भी तुच्छ सी तुच्छ एक सरकारी जॉब दिवाई दो दादा। देखो, समस्या तो बड़ी है तुम्हारी। हाँ, लेकिन मैं बात करता हूँ, हमारा झाड़ू है सचिवालय में, 10,00,000 रुपए दे दो, काम करवा दूंगा। 10,00,000? दादा, हमारे बाबा पर बाबा फिर उतर यहाँ में और जिंदगी भर नौकरी करें तो हम पूरे जीवन में 10,00,000 रुपया ना इकट्ठा करी पाए। दादा कुछ करो, दादा दादा कुछ करो, दादा अरे पांच हो दादा, अरे गिरा दो क्या यार? पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे करते हैं बंदोबस्त हम कुछ। 5,00,000 रुपए की व्यवस्था कर दो, मैं करवा देता हूँ। 5,00,000? चलो अच्छा दे दी दादा, और इन दोनों की भी लगवा दूंगा। ना, ना, ना दादा, दादा, दादा कमाई हम लोग कहीं। दादा जॉब लगी तो जाइए ना दादा। दो दिन का टाइम दो यार मेरे को, तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। अगर जॉब ना लगवा पाऊँ तो मेरा नाम बंटी मल्होत्रा नहीं, भरे बाजार में गोली मार देना। नौकरी लग जाइए, नौकरी लग जाइए। दादा दादा, गारंटी का है? अरे यार बंटी मल्होत्रा के साथ सेल्फी ले लो, गारंटी की क्या जरूरत है? हाँ, बढ़िया रही, बढ़िया। फोन ला, फोन फोन ला, साडू सचिवालय में कोई जलवा है भाई। अरे आराम से भाई। लव यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। 5,00,000 रुपए दे दूंगा आज शाम को, जो पक्की, ठीक है? 5,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपया मिल जाए। जयराम बाबा, क्या हाल चाल? माँ चिंगम लावो, लो एक पैसा ले लियो यार। बाबा तुम सुपारी दियो, पैसा दे भैया। अरे ले लियो यार, पैसा ले लियो, पैसा ही चाहिए। अरे आज शाम तक पैसा दे दी भैया। अरे बंटी की जवान पत्थर की लगीर। हम बात कर रहे हैं बंटी साले, मेरा पैसा दे बंटे। ला भैया तेन बहुत लफड़ा है, पहचान नहीं पई हो बंटी। भगवान बचा लियो, अरे भैया कहाँ? अरे दादा मार, दादा दादा भाई, सॉरी सॉरी, हेलो पहुंची दादा। अरे बंटी साला, मेरा पैसा अरे 1,200 रुपया है तुम्हारे, आज सबक दे दी वो है। अरे यार बाबा, ओ बाबा, हाँ लल्ला, यहाँ तो बड़ा शांति हुई, यहाँ शांति, यहाँ शांति है, कोई आउ जाता ना जाता यहाँ? यहाँ कोई नहीं आउते। चलो तो ठीक, हम बहुत तंग हो गए हैं अपनी जिंदगी से, सवेरे लेके संध्या तक सब तगादा तगादा तगादा, और कुछ है ही नहीं। अरे कब कब हम जरूरत पड़ी रहे तो पैसा लो रहा है, अब लॉटरी लग जाए सबको एक एक पैसा दे दी वो। बाबा को जुगाड़ बता दे, जिंदगी क्या करें हम। लल्ला पहले हमें हमारे 75 रुपया दे दो, हमें स्थान आई दो वाला ने, फिर तो जुगाड़ बता भाई। खुर्रू खांस रहे हो, 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी बची है, क्या करी है 75 रुपया? और 75 रुपया मस्त में ठीक हो जाए तुम्हारो, अब जब चलता हो तो डगमग तुम्हारी टांगे हलती। अरे भगवान मुनाव ले, मौत का इंतजार करो, और 4-5 महीना अगर बची गए
तुम्हें को पैसा दी तुम्हारो लाटरी लगन दे शांति है यहाँ बार तोरे लल्ला तोरे तोरे करके दे दे 6 साल हो गए निपट जाई पूरे मोहल्ला तो कर्जा है हमारे ऊपर तो फोन सालो हाँ बिंटू आदा अरे हम आपको पैसा देने ही आई रह रहे हैं अरे आज शाम तक पूरे 5,000 रुपया हम दे दें 2 महीना हो गए दादा पता नहीं कहाँ गए अगर आज मिल गया और नौकरी ना लगी भाई तो आज मर ही अरे अब आप अपने अरे दादा दादा हम आपसे बात कर रहे हैं ठीक हाँ अरे दादा हाय दादा अरे यार क्या करें सारे जाइए इतने टाइम हेलो हार्दिक भाई देखो भाई जो कोहली सर पानी पीते हैं मुझको वही 2 बोतल पानी चाहिए और अगर वो पानी नहीं आया तो समझ लो मैं फ्लाइट में आग लगा दूंगा बंटी मल्होत्रा का नाम ही काफी है समझ लो हाँ रखो पानी चाहिए मेरे को हाँ ओके ओके दादा हाय हाय अरे गिरा खड़े हो यार हाय दादा हाय दादा कौन हो भाई तुम दादा मैं राजन राजन अच्छा हाँ ठीक है ओके ओके अब तो आप हमारा फोन भी नहीं उठाते हो अरे कैसी बात कर रहे हो यार मेरे पास 2 फोन है मैं दोनों उठाता हूँ और क्या अब तुम तीसरे फोन पे कॉल कर रहे हो तो मुझे नहीं पता भाई बिजी रहता हूँ ना मीटिंग में थोड़ा दादा 5 लाख मेरे दादा दादा हम बर्बाद ही गया दादा हाँ तो क्या करें 5 लाख अरे दादा अपन ले रहे 5 लाख रुपया नौकरी नहीं लगवाई हमारी अच्छा नौकरी ओके ओके हाँ ठीक है हमारी बीबी हमें रोज पेलती है दादा मेरी हालत देखो काफी गई है दादा पागल है क्या क्यों मारती है तुमको यार पागल ना है दादा हमने नौकरी के चक्कर में अपनी मोटरसाइकिल और उसको सब दहेज बेच दो दादा सब जेवर बेच दे ये तो तुमने बहुत गलत किया यार आई आई क्या कर दादा कुछ करो दादा कुछ करो मेरी नौकरी रख पाओ दादा कैसे मैं करता हूँ बात मैं बात कर रहा हूँ दादा आई हेलो हाँ सुधीर यार इसका राजन की नौकरी का क्या रहा यार है? नहीं तुम किसी से कहलवाओ मुझे नहीं मालूम कहना बंटी का केस है इसकी नौकरी लगनी चाहिए भाई 2 दिन में हाँ 2 दिन में काम करवाओ ओके ठीक है क्या बताओ दादा अरे वो अधिकारी की माँ बहन एक हो गई मतलब अरे मतलब अधिकारी लेते देते पकड़ा गया ना अरे अरे मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होगा कहीं यार इसी चक्कर में उसको टाइम लग गया 2-3 महीने का दादा जल्दी करवा दो दादा हो जाएगा 2 दिन में काम हो जाएगा मैंने बोला ना 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 दादा आपने पिछली बार भी 2 दिन बोले रहे 2 महीना बाद मिले हो ऐसा ना करो दादा अरे मैं बिजनेस मीटिंग चलती रहती है यार मेरी दादा प्लीज प्लग माय जॉब दादा प्लीज दादा देखो एक बात सुन लो हाँ। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है हाँ। तो तुम अपना पैसा वापस ले लो आज शाम को दे दूंगा हाँ, जो ठीक रही हाँ। नहीं दादा पैसा नहीं नौकरी नहीं हमें कैसा खबर देखो भाई ये सरकारी काम है इसमें टाइम लगता है अगर नौकरी चाहिए तो 2 दिन का टाइम दो हमें मैं बात कर लिया हूँ हो जाएगा तुम्हारा काम ठीक है हो जाइए दादा दादा आई बिलीव यू आई लव यू दादा अरे थैंक यू सो मच लव यू टू आओ यार जल्दी चलें दादा नौकरी लगवा दी अरे जाओ यार आओ यार खाली यार लो भैया यार अल्फा यस बॉस कल उसको पकड़ा था क्या किया किसको बॉस मगधीरा को हाँ मगधीरा को वो तो भाग गया बॉस क्या हाँ यार ये अरे दे देंगे यार बॉस बेटा हमें लगा साला बंटी निकल के गया हाँ बंटी है साहब अरे तो बैठा क्या कर रहा पकड़ना उसको ओ बंटी ओ साला कुत्ता पैसा खाया मेरा ओ हरामी Thank you.
बहुत 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 हेलीकॉप्टर आई कितनी कर रही है यार होस्टेज है हाय 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 क्या रूप है आई लव यू मेरी जान बहुत कर रहा हूँ मालूम है भैया बेटा हाँ बॉस तुमको देखे क्या हाँ बॉस बड़ी सुंदर है अच्छा बॉस यस लाल सूट में कहता है कहे ढा रही हैं बॉस और बॉस यस आपको ही देख रही हैं बॉस सुंदरी में इतना हूँ ना डार्लिंग मैं आ रहा हूँ बेटा हाँ बॉस ये अपना मिशन तो नहीं है नहीं बॉस बंटी किधर गया पीछे गया है बॉस तो पकड़ो ना फिर ओके बॉस अब नहीं को यही बंटी बच गए आज मार डरते जे लोग दोबारा किसों पैसा नहीं लिए एकदम लाट के निकल गया मैं सबको आ जा रहा है यार मजाक कर रहे रहे यार निकल गया साला हाथ से चलो थाने चलो हवलदार दो साल से साले इसके पीछे पड़े ये हमेशा बच के निकल जाता है ओ भगवान बंटी साला चोर मेरा पैसे लेके भाग गया भैया अरे मिल जाएगा बंटी नहीं मिला पैसा कैसे मिलेंगे बेटा अगर ये एक बार बिक्की हाथ में आ जाए ना तो मेरी बर्दी पे एक स्टार पड़ जाए मेरा भी कुछ भला हो जाए हमें बचा लो ये गुंडा हमें मार रही साले तुझे बचा ले या तुझसे पूरे देश को बचा ले कपड़े बदल के आ गया सोचा पुलिस को टोपी पहना देगा चल डाल बंदा रे हम वापस कब कर जा लो चल अंदर डाल हाँ जी तो कैसी लगी वीडियो उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो वीडियो को यार लाइक करके जाना और कमेंट करके बताओ कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और शेयर कर दो सभी के साथ और आपको बता दें कि जो इसका अगला पार्ट आने वाला है उसको क्या ही मैं बताऊँ बहुत मज़ेदार है मतलब जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल अलग लेवल होगा इस बार कुछ नया ट्राई किया था फिलहाल द फंडोज को सब्सक्राइब करवाओ लोगों से जल्दी से 300,000 सब्सक्राइबर भी करवा दो और आप सभी को धनतेरस दीपावली भैया दूज आने वाले जो भी रिसेंटली त्यौहार हैं उन सभी की हमारे द फंडोज परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं खूब हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हमारे साथ में और मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए जय श्री राम बाय बाय